उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खैरियत होगे, मज़े में होगे, जहाँ होगे खुश होगे और इन्जॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। सबसे पहले भाई मैं सस्ती शायरी सुना दूँ तो वो कुछ ऐसी है कि भाई अम्मी करती हैं प्यार और अब्बू से लगता है डर, वाह 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 वाह। अम्मी करती हैं प्यार अब्बू से लगता है डर, जहाँ करता है अनॉनिमस वॉइस ओवर वो है चिड़िया घर। सस्ती शायरी विद अनॉनिमस पावा जी। पब्लिक आज हो चुका है लेट, आज मैं दिन में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बस रात को उतना कोई सीन नहीं था ये मैकलैरन का, तो फिर जब अभी मैंने इसको ओपन किया तो फिर मैंने कहा आज छुट्टी हो चुकी है, मेरा आज पोस्ट नहीं करना था गेम प्ले, तो मैंने कहा पब्लिक के लिए गेम प्ले लाजमी पोस्ट करूँ, छुट्टी वुट्टी ना करूँ। तो भाई दिन में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, सब्ज़ी वाले, टीन डब्बे वाले, बाइक वाले, गाड़ी वाले, बच्चे, मुर्गे, तोते, चिड़ियाएँ, कौवे, चील, सबकी आवाज़ें सुननी पड़ेंगी मेरे साथ साथ आपको। तो लेकिन चलते हैं मेरी नानी सोली मैकलैरन की ओपनिंग की तरफ। अच्छा, जो मुझे फेवरेट मतलब मेरा जो दिल था ना बाइक करने का वो थी वाइट वाली मैकलैरन, ठीक है, मतलब गोल्डन वाइट, ठीक है। तो वो मैं क्यों नहीं ओपन की पब्लिक, उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा हमने कौन सी ओपन की, वो भी आप देखोगे। अब लास्ट टाइम हम लोग ना सूट तक आ गए थे और उसके बाद हमारे पास यूसी ख़त्म हो गए थे, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड थी पबजी की तरफ से, ये हम खुद से बाय कर रहे हैं। आपने मुझे सब कुछ जायदादें बिकवा दी भाई, सारे गुर्दे, फेफड़े, आंखें, पता नहीं क्या क्या बिकवा के आपने जो ना हमसे ओपनिंग करवाई है भाई। जीत गई थी चैलेंज, अब चैलेंज अनॉनिमस के पब्लिक जीती, हमें फिर पूरा करना था उनके डिमांड, भाई दो बार हो चुका है फेलियर, अब देखते हैं। अच्छा एक बार हुआ, पता नहीं दो बार हुआ, लेकिन आगे जाके ये फेलियर नहीं होगा। अब देखो फेलियर नहीं हुआ, अब मुझे समझ लग गई थी इसकी कि ये कैसी काम करता है। कुछ टाइम फेलियर होता है आपका और फिर कुछ टाइम बाद ओके हो जाता है। ये देखो एक बार फेलियर, अब दूसरी बार भी फेलियर होगा, तीसरी बार हम लोग और ऊपर चले जाएंगे। मुझे और कोई चीज़ नहीं लेनी, तो हमें सीधा जाना है कार्ड्स तक, या फिर लाइक हाँ कार्ड्स ही कार्ड से हमें करनी पड़ेगी रिडीम। ओके देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, हाँ आ रहा, फिर आगे मैंने इसको बूस्ट किया तो ये हमारी आगे आगे जाएगी, गई क्या, नहीं फेलियर ही हो गया, एल ओ एल लॉल, अब तो चली जा, ट्राई टू मोर टाइम्स। ओके दोबारा फेलियर, अब लाजमी जाएगी, दो बार फेलियर हो गया ना, अब इसने जाना ही जाना है। ओके अब ये आ गई यहाँ पे गन तक, लास्ट टाइम भी हमारी गन तक आई थी तो मुझे लग रहा था भाई गन मिल गई हमें निकल आएगी, पर मुझे पता नहीं था ये मिलने मिलने वाली नहीं है। उसके बाद पब्लिक फिर से हमने आगे की, हमारा 2500 यूसी एक बार में लग रहा है, दोबारा इसको किया तो ये दोबारा फेलियर हो गया। उसको हमने तीसरी बार किया, बाबा जी अब जाके ये रुक गया सूट तक, डबल हो सकता था पर ये सूट तक रुक गया। अब जब बच्चे बच्चे बोल रहे हैं पीछे बोलने दो, गली में खेल रहे हैं ये। फिर से हमने किया सूट पे, अब साढ़े 7000 यूसी लग रहा है फेलियर, दोबारा करेंगे। अब ये दो बार बूस्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, पब्लिक हमारे बड़े यूसी बच जाएंगे टू बी ऑनेस्ट। फेलियर मतलब ये सीधा 6 से 8 पे आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोबारा करते हैं, एल ओ एल लॉल, 7 पे आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब 15000 यूसी लगेंगे, मतलब 45000 यूसी लगेंगे सिर्फ 7 से 8 में आने में, एल ओ एल लॉल। 15000 किया फेलियर, दोबारा 15000 करेंगे फेलियर। ओके दोबारा 15000 करेंगे भाई। लो भाई फाइनली हमें कार्ड मिल गए, अब हम कर सकते हैं एक कार्ड रिडीम। तो आपको मैंने कहा ना कि मुझे वाइट वाली, वाइट एंड गोल्डन ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो हम बाय क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब वो जो पैराशूट से जंप करके कार वाला इफेक्ट आता ना, वो नहीं आता। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है नीचे ना कलर्स के साथ, देखो स्पॉन, आइलैंड, एयर ड्रॉप और उसके बाद पैराशूट, वो सब लिखा आ रहा है, व्हीकल म्यूज़िक। लेकिन जो दो कार्स हैं लास्ट वाली, उनको मिल रहा है सिर्फ पैराशूट वाला इफेक्ट, ये वाली कार और ब्लैक वाली कार। तो ब्लैक एंड गोल्डन फिर मुझे ज़्यादा प्यारी लगी, खूबसूरत लगी, तो मैंने फिर डिसाइड किया भाई कि हमें ब्लैक एंड गोल्डन के साथ जाना चाहिए, तो फिर मैंने ब्लैक एंड गोल्डन बाय कर ली। फाइनली इतना ख्वार होके, इतना जो है रोला शोला बर्दाश्त करके बाबा जी हैं, हमें फाइनली कार मिल गई परमानेंटली। बाकी भी हैं मेरे पास सब अभी, लेकिन वो 5 दिन के लिए थी, 3-4 दिन तो मेरे ख्याल हो गए, एक आधे दिन में वो सब चली जाएंगी, फिर हमारे पास सिर्फ हमारी ये वाली मैकलैरन रह जाएगी। लेकिन चलो पब्लिक आपका बड़ा दिल था, लेकिन मेरी पब्लिक का दिल करता है कि उसके अनॉनिमस के पास ये हो वो हो, है ना। ऑनेस्टली मुझे पता है पब्लिक बड़ी खुश होती है जब मुझे मेरी कोई चीज़ निकलती है, या आई नो आप लोग कितना पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो मेरी अनॉनिमस की पब्लिक, हमारे पास अब फाइनली गोल्डन मैकलैरन आ चुकी थी, रॉयल ब्लैक। और जहाँ तक मैं आपको रैंक पुश का डिटेल्स बताता चलूँ, तो रैंक पुश की बड़ी डिटेल्स ये हैं कि हमारा जो रैंक है वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह माइनस में पड़ जाएँ, तो फिनिश करके मैं जो हम साइड रख दूंगा कल, इंशाल्लाह वेट करना, बड़े मज़े के सीन गेम प्ले आएंगे कल, हमारा कॉन्करर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो देखो ये लिमिटेड स्किन्स मेरे पास पड़ी हुई हैं सब के सब, और
इसमें जो हमारे पास है वो है रॉयल ब्लैक। ये देखो लॉबी में भी खड़ी की हुई है मैंने लिमिटेड टाइम के लिए, पर हमारी कार परमानेंट वाली यही है। बाकी हमने वाउचर्स वगैरह कलेक्ट कर लिए। पब्लिक काफ़ी ज़्यादा कल मैंने रैंक पुश किया था, कुछ ज़्यादा ही कर लिया था, तो भी ऑनेस्ट खेल खेल के बेड़ा गर्क हो गया था, पर मज़ा बहुत आया था और मेरा रैंक बहुत ज़्यादा आगे चला गया था। मेरा यकीन करो इतना सरदर्द हो रहा ना, मैं लेट कर दिया ऑनेस्टली, बड़ी जल्दी रैंक हो जाता पर मैं खुद से थोड़ा ढीला पड़ गया था स्टार्ट में, कुछ रीजन से पर्सनल, तो उसकी वजह से मैं इतना खेल नहीं पाया। अब फिर मुझे ज़्यादा खेलना पड़ रहा है, दिन रात खेलता हूँ। चलो चलते हैं गेम की तरफ, देखते हैं भाई हमारी कार कैसी लग रही है। ये देखो पब्लिक, हम आ गए थे यहाँ पे लॉबी में और यहाँ पे हम गेट इन कर सकते हैं। मैंने फ़ौरन से, अच्छा यहाँ पे ड्राइव मैं ही कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है, और जो गेट इन है वो एनिमी में से भी कोई भी कर सकता है यहाँ से बंदा, जल्दी से आके जो भी गेट इन करेगा वो गाड़ी में गेट इन कर सकता है, ड्राइव सिर्फ वही कर सकता है जो गाड़ी का ऑनर होता है। तो यहाँ पे हमने भाई बंदों को नीचे कुचला, फिर जब गाड़ी का टाइम पूरा हो जाता ना, मतलब हम उड़ने वाले होते हैं, तो ये पब्जी वाले आपको नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद पब्लिक अब भाई बाइकें गुजरती हैं, प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा, कल मैं नहीं सोऊंगा, कल मैं टाइम से वॉइस ओवर कर लूँगा। अभी बच्चों की आवाज़ें भी सुनते रहो, हाँ म्यूज़िक लगा दूंगा वैसे मैं, शायद थोड़ी सी छुप जाए। उसके बाद पब्लिक प्लेन आ गया था हमारा। अब पहले तो मुझे लगा लाइक लोगों को जाना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत नोवो हॉट ड्रॉप करके खेल रहे थे। इस बार मेरे ना दिल ने साथ नहीं दिया, दिल कह रहा था भाई नहीं जा नोवो, नहीं जा नोवो, तेरे लाइक नहीं है नोवो, ठीक नहीं है नोवो, मत जा, आगे चला जा जॉर्जो वगैरह। कंटेनर्स पब्लिक में इसलिए जाता हूँ, मतलब जो आप भी खेलते हो, आप भी ज़्यादा रैंक पुश करते हो, बार बार डोर ओपन करना, खोलना, इधर मुड़ना उधर मुड़ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब भाई थक जाता है बंदा, सर दर्द करने लग जाता है ना। होप सो आप लोगों का नहीं करता होगा, वेल विशेज हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मतलब मेरा करने लग जाता है, बार बार डोर ओपन करना, इधर मुड़ो उधर मुड़ो, भाई कंटेनर पर सीधे सीधे जंप करके लूट कर लो, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा कंटेनर पर लूट करना। रिस्की होता है टू बी ऑनेस्ट, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मैं कंटेनर्स पे लूट करना ज़्यादा मज़े का लगता है मेरे को। पब्लिक अब यहाँ पे ना मार्क किया था मैंने 2000 मीटर बन रहा था, पर हमने ना डिसाइड किया हुआ है कि मैं फोकस करता हूँ बिल्कुल लैंडिंग पे, मेरी टीममेट्स जो भी साथ होगा वो फोकस करेगा गाड़ी कहाँ पे, अनफॉलो करके फौरन गाड़ी पे जाएगा। और ये आप देख सकते हो भाई हमारी रॉयल ब्लैक जो है वो हवा में उड़ के आ रही है और सीधी जा रही है भाई अपने मार्क की तरफ। काफ़ी मज़े की लग रही है टू बी ऑनेस्ट, मज़ेदार कार लग रही है। और नीचे आ रहा था एक डुओ, अब पब्लिक में भी फ़ौरन नीचे देख रहा था कि गाड़ी कहीं खड़ी हो, क्योंकि मैं भी ये बात जानता था कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो इसलिए मैंने भी हर तरफ नज़र रखी, आप भी अच्छे से देखा करो। वो गाड़ी गिली हुई, मुझे मैंने अपनी टीममेट को बोला पब्लिक कि फ़ौरन से जा भाई, तू वहाँ पे जा रहे हो गाड़ी उठा ले, मैं आगे ग्लाइड करता हूँ, दोनों नहीं जाओ कभी भी, अगर लाइक एनिमी भी वहीं आ रहा है आप दोनों भी जा रहे हो, उनको एक बंदे को गाड़ी मिल गई वो आप दोनों को नीचे कुचल देगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ना गन उठा लेता हूँ, हो सकता है रास्ते में कोई बॉट मिल जाए, कोई गाड़ी पर जाती हुई एनिमी मिल जाए, तो उसका क्या फ़ायदा होगा पब्लिक, अगर वो बंदा मतलब हमारे पास से गुजरता है तो उनके पास गन नहीं होगी, मेरे पास गन होगी और एक किल मिल जाएगा। आपको पता है एक किल भी कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके रैंक पुश में, बॉट वगैरह एक एक किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अब तो मेरा रैंक भी 2 स्टार के ऊपर चल रहा है पब्लिक, आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देखोगे मेरा क्या रैंक चल रहा है, क्या मतलब हम कहां तक पहुंच चुके हैं रैंकिंग में। तो भाई हम निकल गए फौरन जॉर्जो पुल के लिए, सर्कल बन चुका था, सर्कल को ज़्यादा दूर नहीं था तो हम लेट तक लूट भी कर सकते थे। और आपने जो देखा दो बंदे हमारे साथ जा रहे थे, इनके साथ भी बड़े बड़े मज़ेदार की कहानी, बड़े मज़ेदार कहानी हुई है, आप लोग देखोगे आप लोग बड़ा इन्जॉय करोगे कि भाई लोगों के साथ हुआ क्या सीन। तो हम लोग यहाँ से ना पब्लिक उनसे पहले वो राइट स्क्वाड हाउस, आपको पता है ऊपर वाली साइड पे राइट साइड पे स्क्वाड हाउस होता है, वो लोग वहाँ चले गए थे बग्घी लेने के लिए, वहाँ पर बग्घी खड़ी होती है, तो हम उनसे पहले इसलिए पहुँच गए थे भाई जॉर्ज पुल, जिसका नाम मेरी एनोनिमस की पब्लिक हमने रखा हुआ है लाहौर, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छी टू बी ऑनेस्ट तो नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ बनता नहीं था बोलना, कुछ कभी कभी ऐसा होता जो बात नहीं बोलना बनती होती मैं वो भी बोल देता हूँ। पब्लिक मैंने ना माइक ऑर्डर किया है, होप सो कुछ टाइम में माइक आ जाएगा और फिर थोड़ी बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ अपने एनोनिमस को भूलना जाना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी इंप्रूव कर सकूँ, तो मैं माइक अभी ऑर्डर किया, इंशाल्लाह माइक आता था हम उसका रिजल्ट देखेंगे पब्लिक। वो देखो बग्गी वाले जा रहे थे पब्लिक, अब हमें आइडिया हो गया था कि ये लोग ना सिटी ही जाएंगे, यहाँ पर रुके नहीं थे तो हम समझ गए आगे तो सिटी है भाई जॉर्जो पुल की, ये उधर ही जाएंगे। यहाँ पे मैंने लूट वगैरह कर ली, कार 98 चलाने का मेरा दिल था, तो भाई मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई यहाँ से डीपी उठा लो पब्लिक। उसके बाद हमने लूट वगैरह कर ली, 2 फ्लेयर्स थी हमारे पास लेकिन एक ही बॉट का किल मुझे मिला था, हालांकि मैं झूठ बोल सकता था, अब मैं एक बंदा मारा था, मैंने ऐसे झूठ क्यों बोले बंदा है पब्लिक, एक बॉट का किल मुझे मिला था, तो मैं ना अपने टीममेट के साथ हैं इन 2 किल्स के चक्कर में ना आगे चला गया कि भाई रश नहीं करेंगे इनका ना, इनको लाइक वेट बेट बनाएंगे इनको,
कि जैसे ये निकलें गाड़ी वाड़ी पे, इनकी गाड़ी को कैंप कर लेंगे, गाड़ी कैंप कर लेंगे, या फिर इनको देख के नॉक फिनिश कर देंगे, ऐसा हमारा प्लान था। जा के बता के फाइट लेने का कोई इरादा नहीं था पब्लिक, तो हम यहाँ पर आ गए। अब पहला काम, जब आप ऐसे किसी की गाड़ी कैंप करो, ड्रॉप कैंप करो, ठीक है, कुछ भी अगर आप कैंप कर रहे हो, ब्रिज कैंप करो, तो अपने आप को छुपा के ही रखो, तभी वो ब्रिज कैंप कहलाता है कि ब्रिज पे कैंप कर रहे हो, या फिर आप गाड़ी के लिए कैंप कर रहे हो, या फिर आप लाइक किसी भी चीज़ के लिए जोन कैंप कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो, आप कभी भी उनको पोजीशन मत बताओ पब्लिक, पहले आप एनिमी को स्पॉट करो अच्छे से, वो है कहाँ। तो यहाँ पे आपका एनिमी मेरे टीममेट जो जा रहा है, हम यही काम कर रहे थे, हमें वहाँ पे वो बंदा नज़र आया, उस साइड पे था, तो हम समझ गए वो दूर है, हम थोड़ा और ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं पब्लिक। फिर हम थोड़ा और क्लोज आ गए थे, रेड जोन था। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता तो बहुत अच्छी बात है पब्लिक, कि जब भी रेड जोन हो, कभी भी विंडो पे और डोर पे बिल्कुल जुड़ के मत बैठो। अभी जारोक जो था मेरा टीममेट, ये घर के अंदर था और फिर भी रेड जोन गिरा, ये नॉक हो गया। उसका रीज़न ये विंडो के बिल्कुल साथ था, तो ऐसे आप नॉक हो सकते हो। अब मैंने इसको आके रैप दिया, कभी भी बिल्कुल जुड़ के रेड जोन, अगर आप रेड जोन गिर रहा है, आप सोचोगे भाई रेड जोन है, मैं तो घर के अंदर हूँ, नहीं होगा कुछ, नहीं, आप नॉक हो जाओगे। आप ना थोड़ा विंडो से दूर हो जाओ, दरवाजे से दूर हो जाओ पब्लिक। फिर इन्होंने स्मोक किया, शायद इनको शक हो गया था रेड जोन गिराना, तो उन्होंने शायद किलफील्ड में नाम देखा होगा कि बंदा इधर ही नॉक हो, इनको शक हो गया था, ये स्मोक करके भागे। यहाँ पे मेरे से ये गलती हो गई, मेरा जो 6x था वो फुल 6x था, और मुझे नहीं पता था कि मैंने 3x उसको नहीं बनाया हुआ। वो बंदे भाग जाते हैं दूर, लेकिन जारोक ने डीपी से एक बंदे को गाड़ी से उतार दिया, ये बग्गी से उतार के बहुत अच्छा काम हमारा हो गया था। बेचारा आता है अपने टीममेट को बचाने, मैं तो क्या बचाऊंगा, माइनस नहीं होने दूंगा, लेकिन जैसे भाई साहब लेटते हैं, अपना बम ऊपर करके कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया सीफो भैया को, और फिर भैया हम जाके इनकी करेंगे मज़े से लूट। बड़ा ही गंदा प्रैंक हो गया था इनके साथ, लेकिन बाबा जी फिर हम लूट करने के लिए क्रेट पे आए थे, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इसका लूट का, नो मजाक बाबा जी, अच्छे से पेड़ भर के लूट की। फिर भाई हम आते हैं अपनी इस नई वाली गाड़ी पे और इसको बनाते हैं अपनी नई मैक्लारेन, हमारी बुलेट प्रूफ मैक्लारेन। इस पर काफ़ी गोलियाँ मतलब आपको बचाती हैं पब्लिक। आप ना किसी भी अगर गाड़ी का आप देखना चाहते हो कौन सी बेस्ट है कौन सी बेस्ट नहीं है, तो जिसकी विंडोज़ ज़्यादा ओपन होंगी आपको उसमें चलते हुए ज़्यादा डैमेज पड़ जाएगा, जिसकी विंडोज़ ज़्यादा बंद होंगी, अब देखो इसकी छोटी छोटी विंडोज़ हैं, तो इस पर गोलियों का डैमेज एनिमी को कम से कम पड़ने के चांसेस हैं। और लाइक यूएस होती है उसके, आप डोर देखो, मतलब उसकी जो विंडो होती है सामने वाली और साइड वाली, वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ने के चांसेस होते हैं पब्लिक। अब हम यहाँ से निकल रहे थे जोन की तरफ, जैसे पब्लिक मैं जोन में आता हूँ, यहाँ पे स्क्वाड्स में ना हमारे पास दो फ्लेयर होती हैं, तो हम फ्लेयर चलाने के लिए इधर आते हैं, यहाँ होते हैं बंदे। अब बंदे थे, भागने का चांस नहीं था, अगर भागते क्या बताए, गाड़ी से स्प्रे करके उतार लेते, तो मैंने ना मॉरी वॉरी नेट वगैरह करना स्टार्ट कर दिए। इस बंदे को नॉक होना चाहिए था, फुल कुक किया, सर पे फेंका, पता नहीं नॉक कैसे नहीं हुआ ये बंदा, मुझे समझ नहीं आई, उधर ही है ऊपर ही है पब्लिक, ये हील कर रहा था, फिर इसके हील का साउंड भी आ रहा था, पर ये नॉक कैसे नहीं हुआ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। फिर मैंने जहाँ जहाँ नेट मुझे शक हो रहा था, मैं वहाँ नेट फेंक के जा रहा था, बहुत ज़्यादा नेट उठा रखे थे पब्लिक मैंने। फिर पैनिक रूम से इधर साउंड आता है, बंदा भाग रहा है, मैंने इधर नेट फेंका, तो भाई मेरे नेट से पहले जहरों का नेट उधर ही चला जाता और उधर वाला बंदा हो जाता नॉक। फिर हम रश करते हैं, और भाई इसने ना मुझे यहाँ पे गंदा ही डैमेज दे दिया, देखो एकदम से मेरी हेल्थ सारी चली गई लॉल। तो मैं पीछे आ जाता हूँ और आगे नहीं जाता, क्योंकि मेरी HP नहीं होती। वो बंदा नीचे गिर जाता है, जब मुझे उसके नीचे गिरने का साउंड आया पब्लिक, मैं वापस पीछे आता हूँ, इधर से जंप करता हूँ कि दो साइड से हम उसको मारें। यहाँ से मुझे लगता है अंदर रूम में, लेकिन देखता हूँ, ओहो सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, आराम से साइड से जाएंगे। कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया भाई को, डब्बे के पीछे आके बैठ गया था अल्फा भाई, और ऐसे मौत को छूके तक से वापस आ गए। फिर मेरी एनोनिमस पब्लिक हमने मजे से की लूट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास दो फ्लेयर थी, तो हमने डिसाइड किया कि एक ड्रॉप मंगाया जाए और दूसरा जो है वो फ्लेयर गन से ना BRDM मंगवाया जाए। तो मैंने अपनी फ्लेयर दे दी अपने टीममेट को एक, कि भाई जोन के बाहर जाके आप फ्लेयर चलाओ। देखो रैंक मेरा है ना पब्लिक, तो मैं ज़्यादा ओपन में नहीं जा रहा, कोई रिस्क नहीं ले रहा, आप भी ऐसे ही किया करो अगर आपका रैंक है। मेरी टीममेट का रैंक नहीं, तो मैंने बोला भाई तू भाई रोड जोन के बाहर जाके फ्लेयर चला दे, उसने वैसे ही किया। और एक हमने ड्रॉप मंगाया हुआ था, तो पब्लिक एक हमारा ड्रॉप आ जाता है, अगर ड्रॉप आपके करीब आया तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर आपके ड्रॉप दूर आया ना तो कभी भी ओपन में जाके लूटने की ट्राई मत करो। स्मोक्स वगैरह कर लो या फिर गाड़ी लेके जाओ, तब भी स्मोक लाजमी करो अगर ड्रॉप दूर है, क्योंकि रैंक पब्लिक माइनस होते हुए देर नहीं लगती, प्लस होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर माइनस की बात हो तो माइनस पड़ने में आपको ज़रा देर नहीं लगेगी, आपका जो है ना वो कबाड़ा हो जाएगा। तो फौरन से भाग के मैं आ जाता हूँ एयर ड्रॉप पे, लूट करता हूँ यहाँ पे, ग्रोजा एम के होती है, लेकिन मैं नहीं उठाता, अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई आप लूट लो, वेस्ट पड़ी हुई है वहाँ पे, ग्रोजा एम के, मैंने कोई चीज़ नहीं उठानी। फिर पब्लिक जोन चला जाता है, तो हम दोनों टीममेट्स ना एक गाड़ी उठाते हैं एक BRDM उठाता है। हम दोनों हालांकि BRDM ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि अब ट्राई किया करो, दो टीममेट हो तो दो व्हीकल बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है,
क्योंकि अगर आपकी एक गाड़ी ख़राब हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम दोनों बीआरडी में होते हैं, स्प्रे आता है, बीआरडी में फट जाती, हमारे पास गाड़ी ना होती, अब हम दो गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, एंड में हम लोग फिर एक बीआरडी में हो जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना हम दो गाड़ियाँ एक गाड़ी भी बचा के रख रहे हैं साथ में। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक यहाँ पे ना मज़े से लूट करते, एकदम आता है मार, भाई जान निकल गई कि कब से यहाँ घूम रहे हैं, मार काया। मुझे लगा मेरी ही बिल्डिंग में ऊपर बंदा है, मैंने नेट निकाला और इसी साइड पर नेट किया जहाँ मुझे शक हो रहा था मार का रहे थे, वहाँ नेट फेंका, ऊपर जाके देखने लगा कि फटा वो नहीं, फटा लो होगा, देखा तो यहाँ है ही नहीं। फिर मुझे शक हुआ मेरे टीममेट को भी कि भाई वो साथ वाले घर में था, इतने क्लोज हैं, समझ नहीं आई, कंफ्यूज हो गए। तो फिर मैंने यहाँ पे नेट निकाला, टीममेट ने भी नेट निकाला हुआ था, फेंका, लेकिन पब्लिक नेट फटता है, वो बंदा बाहर आ जाता, उसको मौली लगी हुई थी, ऊपर जाता हूँ, ये किल मुझे दे देता है मेरे भाई कि भाई आप मार लो, आपका रैंक है ईजी, सामने उसके बम में मौली लगी हुई है, फिर मैं इसको कर देता हूँ डाउन पब्लिक, और इसके बाद ये किल मुझे मिल जाता है, हमारे तीन किल अलहमदिल्ला हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे किल हैं भाई, टू बी ऑनेस्ट, एक ही किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर पब्लिक इसको मुक्के शुक्के हमें मार के हमने जाना लूट की, इस बेचारे कैंप कर रहा था बेचारा, इसका टीममेट पता नहीं कहाँ था, फिर इसका टीममेट इसको चढ़ा रहा होगा, बोला था अकेले मत खेल। फिर भाई हमने यहाँ पे काफ़ी होल्ड किया, जब जोन चला गया तो आगे एक शैक होता है, हमने डिसाइड किया भाई दोनों ना चीज़ें लेके जानी चाहिए शैक पे, गाड़ी भी और बीआरडीएम भी पब्लिक, हमने फिर ऐसे ही किया, मेरे टीममेट बीआरडीएम लेके चले गए, मैं जो हूँ गाड़ी लेके चला जाता हूँ शैक पे, वहाँ पे जाके के होल्ड किया जाए, और उससे आगे ना एक घर होता है, अगर जोन घर पे जाए तो हम नॉक पुश करेंगे, ये हमारा प्लान होता है। डायरेक्ट पुश करना हमेशा रिस्की रहता है पब्लिक, अगर आपको पुश करना है ट्राई करो पहले नॉक करो फिर पुश करो, इससे तो एक टीममेट जो आपके एनिमी होगी वो काफ़ी घबरा जाएगी, डर जाएगी, दूसरा आपको एक एडवांटेज भी होगा कि वो उनका एक बंदा नॉक होगा और एक रिवाइव दे रहा होगा, अगर 4v4 खेल रहे हो तब भी उनके दो बंदे बिजी हो जाएंगे, एक नॉक होगा और एक रिवाइव देने में बिजी होगा, तो आप रश कर सकते हो ऐसे पब्लिक। उसके बाद हमारा सारा फोकस होता है आगे, जोन चला जाता है, जैसे हमने नॉक दिया ना हमने भाई फ़ौरन से रश करने का फैसला किया, गाड़ियाँ मैंने पहले ऐसी स्टाइल से लगाई हुई थी कि सीधी वहीं पर पहुँच जाए, दोनों गाड़ियाँ लेके ही गए पब्लिक हम वहाँ पर, और एक साइड से मेरे टीममेट ने एंटर किया घर में, एक साइड से मैंने किया, और ऐसे ना पब्लिक यहाँ पे बंदा ना साइड पे लेफ्ट पे होता है, इसको मैंने फ़ौरन से डाउन किया, बेचारे ने हील नहीं किया था, इसका दूसरे टीममेट को कहीं बाहर से पड़ जाती है, और ऐसे ना हमें मुझे एक किल मिलता है, मेरे टीममेट को किल नहीं मिलता, और इसका टीममेट कहीं दूर से फिनिश हो जाता है, वो बाहर गया होगा ना मेरी टीममेट वाली साइड पे, उसको दूर से पड़ गई पब्लिक, फिर से जोन हमारा नहीं बनता और जोन चला जाता है हमसे दूर। फिर मैंने यहाँ पे एड्रेनालिन लगाई और मेरे टीममेट गाड़ी ले गए थे, दूसरी वाली बीआरडीएम खड़ी थी, मुझे बीआरडीएम लेके जाना था, तो डैमेज पड़ना था मुझे पता था, इसलिए मैंने बूस्ट कर लिया था पहले, और पब्लिक फिर ना जोन होता है आगे, यहाँ से भी आगे चला जाता है, और 15 सेकंड होते हैं जिसमें जोन आना होता है। लेफ्ट वाले बंदे को मेरे टीममेट ने नेट से डाउन किया, हम दोनों बीआरडीएम में बैठ के आगे चले गए, आगे ऑलरेडी फाइट हो रही होती है, और ये हो जाती है 2v2 की फाइट, वहाँ पर बीआरडीएम है, लेकिन एक चीज़ है मेरी हेल्थ कम थी, दूसरा यहाँ पर मैं गलती कर देता हूँ, वो गलती आपको नज़र आएगी, देखो मैं यहाँ पर आया, चढ़ाने की कोशिश की बीआरडीएम उसके ऊपर, वो ना बीआरडीएम फाड़ रहा होता है, और मैं जंप करके ना उसकी जो जहाँ मैं फायर कर रहा होता उसकी स्प्रे के ऊपर ही गिर जाता हूँ, आके ले भाई मुझे मार ले, फिर ऐसे वन ही वन की फाइट हो जाती है, मैं दुआ कर रहा होता हूँ भाई तू मार दे भाई चिकन मिल जाए, भाई तू मार दे भाई चिकन मिल जाए, दुआएं कर रहा होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे टीममेट जब फाइनली इसको मारने में कामयाब हो जाते हैं, और ऐसे में मिलता है विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो भाई शोर में वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करें, कमेंट्स में जरूर आना, कभी यामा जा रहा है कभी 70 जा रही है, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती तो इसी प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।